वेलकम टू स्मार्ट जनरल नॉलेज। स्मार्ट जनरल नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं 8 नवंबर के इतिहास के बारे में। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की घोषणा की थी। इस नोटबंदी में 500 और 1000 के नोटों को बैन कर दिया गया था। भारत की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना सितारा देवी का जन्म 8 नवंबर 1920 को कोलकाता में हुआ था। सितारा देवी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने कथक क्वीन का नाम दिया था। 8 नवंबर 1998 को बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री शेख मुजब्बिर रहमान की हत्या के जुर्म में 15 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई थी। एक्सरे का फुल फॉर्म एक्स रेडिएशन है। एक्सरे की खोज आज ही के दिन 8 नवंबर 1895 को प्रोफेसर विलहेम कॉनराड रॉन्टजेन ने की थी। एक्सरे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी मदद से शरीर के भीतर हड्डियों की स्पष्ट तस्वीर ली जाती है। 8 नवंबर 1972 को अमेरिका के केबल टेलीविजन कंपनी HBO की शुरुआत हुई थी। 8 नवंबर 1999 में न्यूजीलैंड के खिलाफ सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ ने 331 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी बनाई थी, जिसमें तेंदुलकर ने 186 रन और द्रविड़ ने 153 रन बनाए थे। भारत के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म आज ही के दिन 8 नवंबर 1929 में हुआ था।